अच्छा, जेडीयू में प्रवक्ता बने और उसके बाद नीतीश कुमार के करीबी हो गए, आरसीपी सिंह के तो करीबी आप थे ही जी, फिर नीतीश से मोहभंग कैसे हो गया आपका? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया? नहीं, फिर देखिए इसकी कहानी शुरू होती है 2016 में नोटबंदी जब हुई थी 9 नवंबर को। हम लोग प्रवक्ता थे, कोई भी मेजर इशू होता है तो हम लोग लाइन लेते हैं, लाइन लेने के लिए नेतृत्व से पूछना पड़ता है कि किस लाइन पर रहे। नोटबंदी के समय मोदी जी ने टीवी पे आके बोला कि भ्रष्टाचार और कालाधन के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। हमारा शुरू से जेडीयू का था कि 3C को नो कहना है, क्राइम, करप्शन एंड क्रिमिनलिज्म, तो फिर करप्शन के खिलाफ हम कैसे रहेंगे? ठीक है, तो मैंने रात को फ़ोन किया नीतीश जी को कि इसमें क्या लाइन लेनी है, तो वो कन्फ्यूज थे। देख लीजिए, वशिष बाबू से बात कर लीजिए। मतलब बीजेपी जेडीयू साथ नहीं थे? नहीं, साथ नहीं थे। तो मैंने वशिष्ठ नारायण सिंह जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने उनको कहा कि करप्शन के खिलाफ है तो हम लोग को तो समर्थन करना पड़ेगा। तो कहे कि हाँ हाँ ठीक है, समर्थन कर दो। मैंने समर्थन कर दिया खुलेआम के, कि जेडीयू साथ रहेगी, इस लाइन पे हम लोग साथ हैं। तो पार्टी में जैसे होता है इनर पार्टी पॉलिटिक्स डायनामिक्स होती है, कुछ कुछ लोगों ने जाके नीतीश कुमार को कहा कि अपने से कर लेता है, इतनी बड़ी बात थी आपको कहना चाहिए, ये वो कान राजा लोग कान के कच्चे हो जाते हैं जो। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बोला कितनी प्रॉब्लम है तो कल बता देते हैं। हाँ, जब पूछा था मैंने, जब पूछा था मैंने, हाँ। तो कुछ नहीं है वो, हमने सर इतना दिक्कत है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। हाँ। तो मैंने पार्टी से प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। चलते रहा, इसी तरह चला। फिर 17 में अलायंस जब होने वाला था, आरजेडी से टूटने वाला था, यहाँ होने वाला था, फिर मेरी जरूरत थी तो फिर मुझे प्रवक्ता बना दिया। अच्छा, जब बीजेपी के साथ जाने का समय आया तो फिर से याद कर लिया? फिर से याद कर लिया मुझे कि आप चलिए आ जाइए, क्योंकि आप बीजेपी की लाइन को, बीजेपी और जेडीयू की स्वाभाविक लाइन को सबसे अच्छा पार्टी का रिप्रेजेंट मैं करता हूं। ओके, 17 में फिर पे मुझे प्रवक्ता बना दिया। 17 में हटाकर 16 में, 17 में फिर प्रवक्ता बना दिया। फिर बना दिया। ओके, फिर 17 के बाद प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, पवन वर्मा की एंट्री होती है, ये लोग फिर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाना शुरू करते हैं। 17 में ठीक है, 17-18 तक ये सपना चलता है। हम आरसीपी के खिलाफ थे कि कहां प्रधानमंत्री, 16 सीट पे हम लड़ेंगे, प्रधानमंत्री कहां से बन जाएंगे? भाई कोई संभव ही नहीं है ना। सबको इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा वाला टाइम गया। आपने क्या कह दिया था प्रशांत किशोर को? कोरोना वायरस। वो तो वो कहानी अभी आगे आएगी। तो 17 में प्रशांत किशोर वगैरह इन लोगों ने मिलके, मैंने ममता बनर्जी को बोला, उन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, मैंने ये बयान दिया, ठीक है, बंगाल को। हाँ, उस वक्त प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा हो रहा था, महागठबंधन की खुलबुलाहट शुरू हो रही थी। तो जाके बोला गया कि इस तरह से आपका प्रवक्ता बोलेगा तो महागठबंधन कैसे बनेगा? ममता बनर्जी के बारे में बोल दिया मिनी पाकिस्तान, विपक्षी गठबंधन। फिर मुझे टोका टोकी की गई, मैंने फिर इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा कि ठीक है, इसमें दिक्कत है, मैं फिर इस्तीफा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी कहानी एक मिनट बस खत्म कर लूँ। फिर इस्तीफा दे दिया मैं अलग 18 के बाद। 19 का चुनाव संपन्न हो गया, मंत्रिमंडल में हम लोग शामिल नहीं हुए। प्रशांत किशोर से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई नीतीश जी की, प्रशांत किशोर ने, और बयानबाजी शुरू हो गई। प्रशांत किशोर ने कहा नीतीश जी को, डोंट कंपेयर योर कलर ऑफ स्किन टू माइन, आई एम नॉट लाइक यू। तब प्रशांत किशोर वाइस प्रेसिडेंट थे? वाइस प्रेसिडेंट थे जेडीयू के। हाँ, और आप प्रवक्ता थे? मैं प्रवक्ता। ठीक है, तो मैंने तो रिजाइन दे दिया था, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, नंबर सो कॉल्ड नंबर टू मीडिया के नजरों में, लेकिन नंबर टू कभी नहीं थे। तो ये सब बयानबाजी जब शुरू हुई तो प्रशांत किशोर को उसी समय पार्टी से निकाला गया, पवन वर्मा को पार्टी से निकाला गया। फिर मेरी जरूरत हुई, फिर मुझे फोन किया गया, आइए। और प्रशांत किशोर को मैं पहले ही बोल रहा था कि ये कोरोना वायरस है, जेडीयू को खा जाएगा ये, मैं पार्टी में रहते ही बोल रहा था। तो फिर से मुझे ऑफिशियल, तीसरी बार ऑफिशियल प्रवक्ता बनाया। तीन बार प्रवक्ता। तो ये मेरी कहानी है। और पार्टी में वोकल था मैं कि ट्रिपल तलाक पे पार्टी को बिल्कुल केंद्र सरकार के रूप में रहना चाहिए, जो पार्टी नहीं थी, जिसके मैं खिलाफ था, धारा 370 के मैं खिलाफ था, जिसका पार्टी समर्थन नहीं करती थी बिना कोई लॉजिक लिए हुए। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज थे जहाँ पे नीतीश जी और मेरे विचार नहीं। लेकिन जब